नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम पिछले 8-10 दिनों से लगातार चलता रहा, लेकिन क्या आज वो घटनाक्रम एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही खत्म हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है? पूरी खबर ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पिक्चर अभी बाकी है, अभी भी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर के अंदर कितने झोल हैं। मैं आपको सात पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको देख करके, जिनको सुन करके आप कहेंगे कि वाकई अभी भी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर में बहुत झोल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा खबर बता देता हूं। खबर यह रही कि एकनाथ शिंदे आज जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के, और उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देवेंद्र फडणवीस की और एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस खुद कहते हैं कि शिंदे साहब को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन बाद में नाराजगी की खबरें आती है। ये आप देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं, एबीपी न्यूज की खबर है और एबीपी न्यूज की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, सीएम पद न मिलने से देवेंद्र फडणवीस नाराज सूत्र। एबीपी न्यूज ने इस खबर को चलाया। आप एक बात बताइए कि ऐसा बीजेपी के अंदर क्या खेल पकड़ा है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के मुंह से ऐलान कराती है कि आप जो है वो इसका ऐलान करिए कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर उसके बाद में वो खुद ही नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में मनाने की कोशिश होती है और जो है जेपी नड्डा पिक्चर में आते हैं। जेपी नड्डा पिक्चर में आकर के जो है वो कहते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में आना चाहिए, इसलिए उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ने जो है ये बात कही है। अब उसके बाद में देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, भास्कर के अखबार की तस्वीर है, केवल ये देखिए, उसके बाद में खबर की मैं शुरुआत करूंगा। 7 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम बना दिए गए, शपथ ले ली गई है, और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ में जो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब डिप्टी सीएम है या सुपर सीएम है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपके सामने मैं रखता हूं 7 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि ये जो आज शपथ ली गई है, क्या ये केवल और केवल 11 जुलाई तक इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है? पहला सवाल है ये, क्या केवल 11 जुलाई तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसमें केंद्र सरकार को, जिसमें शिवसेना की नेताओं को, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को, सबको नोटिस देकर के कहा था कि 11 जुलाई तक आप अपना जवाब सबमिट करें। और 11 जुलाई को जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो महाराष्ट्र सरकार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अंग हैं, विपक्ष में अब हैं या उस समय सत्ता में थे, उन सबको जवाब देना है। तो 11 जुलाई तक, कहीं ऐसा ना हो कि 11 जुलाई के बाद में जब वो तलवार सुप्रीम कोर्ट की हट जाए, फिर उसके बाद में गद्दी पर देवेंद्र फडणवीस आ जाए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि विधायकों की पलटी। आपने देखा, देवेंद्र फडणवीस ने नवंबर 2019 के अंदर सुबह सुबह पांच बजे शपथ ले ली थी। केवल ANI को बुलाया था और यही राज्यपाल थे। तो ऐसा ना हो कि इनको डर है कि कहीं जो है ये विधायक फिर से छिटक करके भाग ना जाए, इसलिए पहले बिल्डिंग तैयार करवाते हैं। इनको बिल्डिंग बनाने दो, मकान तैयार करने दो। जब मकान तैयार हो जाएगा, जब उसमें लाइटिंग वाइटिंग का, फर्श वर्श का, टाइल वाइल लगाने का सब काम हो जाएगा, फिर हम ही आएंगे, गद्दी पर हम ही बैठेंगे, लेकिन पहले तैयार होने दो। पिछली बार क्या हुआ था, ईंट डाला, जीरा रोड़ी बजरी डाली और उसके बाद में ठेकेदार गायब हो गया। तो ये जो है विधायकों की पलटी का क्या यहां पर डर था बीजेपी को, यह बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल, मान लीजिए 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट, पहला जो मैंने तर्क दिया है वो खारिज हो जाता है, चीजें सब कुछ जो है वो सही दिशा में बीजेपी के लिए चली जाती है। दूसरा सवाल जो मैंने रखा विधायकों की पलटी का, अगर मान लीजिए वो भी ठीक हो जाता है, तो क्या तीसरा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, ये नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की कहानी आपको याद है? नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी थी, कुर्सी छोड़ करके जीतन राम मांझी को ले आए, कहा कि देखिए कितना बड़ा त्याग किया है, एक दलित को, जीतन राम मांझी को उन्होंने सीएम बना दिया, ये बात कही। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कुर्सी छीन ली और फिर जो है वो जीतन राम मांझी को पार्टी से भी भगा दिया, उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनाई।
तो क्या जीतन राम मांझी वाला जो है ये खेला ये महाराष्ट्र के अंदर भी होगा? तीसरा पॉइंट मेरा ये है। अब चौथा इसमें ये है शिव सैनिकों का गुस्सा। देखिए लगातार शिव सैनिकों का गुस्सा हम देख रहे थे, कितनी सारी खबरें हमने आपको दिखाई थी। और सरकार भले ही बन जाए, सरकार भले ही बन जाए, लेकिन अगर पब्लिक में आपके खिलाफ गुस्सा है तो उस गुस्से का सामना आपको करना पड़ता है। और गुस्सा कहां तक है, किस हद तक है, कोई कह नहीं सकता। दो तीन उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा अभी हाल के समय पर किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए, हरियाणा की बात करिए, पंजाब की बात करिए, खास करके हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बीजेपी के नेता अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, विधायक अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। और शिवसैनिकों का गुस्सा वो तो पूरे संसार में जो है वो प्रचलित है। कैसे फिल्म रोक देना, पिच खोद देना, ये सारी बातें कई बार हम बता चुके हैं। तो क्या शिवसैनिकों के गुस्से का जो है वो डर था, एक चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल कि शिवसेना का कब्जा, तीन आखिरी जो है, तीन आखिरी के सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, तीन आखिरी के तर्क आपके सामने रखूंगा और सबसे मजबूत यही है। ये देखिए शिवसेना जो पार्टी है उसके ऊपर कब्जा। तो क्या भाजपा अब जिस तरह से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में पहले ही थे, शिवसेना के 15-16 विधायक जो है वो बचे हुए थे उद्धव ठाकरे के पास में, अब जब एकनाथ शिंदे एक शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री बना दिया तो जाहिर तौर पर वो 15-16 जो बचे हुए थे वो भी निकल करके आ जाएंगे और पूरी की पूरी शिवसेना फिर एकनाथ शिंदे के पास में आ जाएगी। और शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास में आ गई, उद्धव ठाकरे ठाकरे परिवार से चली गई, तो फिर जो है वो पूरी शिवसेना जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जहां पर बीजेपी जो मर्जी चाहेगी वहां पर वो काम करवा सकती है। तो शिवसेना के ऊपर कब्जा जो है ये बड़ा सवाल है, पांचवा सवाल है, पांचवा तर्क है। इसके बाद में छठा तर्क जो कई बार मैंने कहा है, अब रास्ता साफ हो गया है, रास्ता साफ हो गया। और यही बात मैंने इसलिए भी कही थी, कई लोग कह रहे थे उस वक्त में भी कि राज ठाकरे की पार्टी के अंदर सारे विधायक बागी विधायक शामिल हो सकते हैं और राज ठाकरे के जरिए जो है ये शामिल हो जाएंगे और फिर राज ठाकरे को एक पार्टी बना दिया जाएगा। तब भी मैंने कहा था कि ये हिंदू वोटों पर एक अधिकार का मामला है, हिंदू वोटों को एकमुश्त करने का मामला है, ये राज ठाकरे को दोबारा से उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार जो है नहीं बनाना चाहते। जैसे गांधी परिवार और कांग्रेस से जिस दिन गांधी परिवार की विदाई करवाई जाएगी उस दिन ये मान करके चलिए कि कांग्रेस पर जिस मर्जी तरीके से और जो मर्जी उसमें नेता होगा उसको जिस मर्जी तरीके से नचा सकते हैं। तो यहां पर हिंदू वोटों का एक बड़ा जो है पैरेलल, वो नहीं चाहते थे कि कोई एक ऐसा धड़ा चले, अब केवल और केवल जो है वो एक ही पार्टी रह गई हिंदुत्व के नाम पर और वो रह गई है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना जो नई बनेगी या वही रहेगी उसका अब जो है उतना प्रभाव नहीं रहेगा और धीरे 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 बीजेपी जिसको मालूम है शिवसेना ये यहां पर पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ में सरकार बनाई और अकाली दल का क्या हाल कर दिया, नीतीश कुमार का क्या हाल करके रखा हुआ है। नीतीश कुमार अगले चुनाव में संभवतः मान करके चलिए आप चेहरा ही नहीं होंगे, उनको क्या करवा दिया जाएगा मालूम नहीं। कई सारी ऐसी पार्टियां, कई सारे ऐसे जो है छोटे छोटे दल हैं जिनको बीजेपी एक तरह से सत्ता के रूप में देखे तो निगल गई। अब छठा सातवां पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, साफ नियत सही विकास। ये बीजेपी का नारा है ना, साफ नियत सही विकास। अगर बीजेपी की नियत वाकई साफ है, बीजेपी वाकई विकास करना चाहती है और एकनाथ शिंदे जिसको लिए वो कह रहे कि देखिए शिव सैनिक को हमने यहां पर मुख्यमंत्री बनाया, बाला साहब ठाकरे की विरासत को हमने आगे बढ़ाया, ये सारी बातें वो कह रही है। तो यही बात 2019 के अंदर शिवसेना कह रही थी, उद्धव ठाकरे कह रहे थे, तब क्यों नहीं माने आप, तब आपने क्यों नहीं कहा कि चलिए ठीक है। और तब तो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था और ढाई साल के लिए एकनाथ शिंदे को ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो मुख्यमंत्री बने शरद पवार की वजह से और सोनिया गांधी की वजह से, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी की अगर नीयत सही है, बीजेपी सही में विकास करना चाह रही, उसकी नीयत में खोट नहीं है, तो 2019 में ही ये चीजें क्यों नहीं कर दी गई, 2019 के अंदर ही जो है वो अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो ढाई साल में उनके दिन पूरे हो जाते, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता। तो चीजें जो है वो अभी भी बता रही है कि कई सारा यहां पर घोलमेल है और ये सारा घालमेल जो है वो कहां पर जाकर के फटेगा, कब तक जो है दबा रहेगा, ये सारे सवाल जो है वो भविष्य में छिपे हुए हैं। लेकिन पिक्चर ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन एजेंडा सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।